सभी पढ़ेंगे पाठ को। एकदा अस्मिता में एक गोपाल कह आसी। एक बार एक गांव में एक चरवाहा गोप था, तस्य नाम राम है आसी, उसका नाम राम था। सह प्रतिदिनम बने अन्य गोपाल के सह नित्य पशु अभी नैतीस में। वह प्रतिदिन वन में अन्य दूसरे चरवाहों के साथ अपने पशु भी ले जाता था। तंत्र बने पह वस्त्र पक्षी ने व्याप्ता सिंह जय हिंसक वसती समय। वहाँ वन में बहुत से पशु पक्षी चीते से हिंसक पशु रहते थे। एकदा राम है पशु चार्य में एक बार राम पशु को चला रहा था। सहसा एवं राम ने सह उपहासम उत्तम अचिंतयत अचानक ही गांव वालों के साथ मजाक करने का सोचा। सह ऊंचे या वह ऊंचे स्वर में बोला, सिंह है सिंह है पिटकाय पिटकाय है शेर 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 बचाओ बचाओ। इतनी शब्दान आक्रोश इस प्रकार के शब्द करने लगा। सह मम पशु ने भक्सी से भी तस्मात मम पशु नाम रक्षित है। वह मेरे पशुओं को खाए खा जाएगा, उससे मेरे पशुओं की रक्षा करो। आगे है गोपाल कस्य वचनं सुत्वा बहवत कृषकः तं सहतार्थ है हस्ते दंडम नित्वा क्षेत्रात् तत्र शीघ्रम आगच्छन्। चरवाहे के वचन सुनकर बहवत किसान बहुत से किसान तम सहतार्थ उसकी सहायता के लिए हाथ में डंडा लेकर क्षेत्र खेत से शीघ्र आगच्छन् जल्दी से भागे। तान कृषकान दृष्टवा से कृषकान उवाच्य तान उसको उन कृषकान किसानों को देखकर सह वह किसानों से बोला, अहम तो केवल उपहासन करो थी, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। तस्य वचनम सुत्वा ते कृषका लज्जिता अभवन सब क्षेत्र प्रतिचय प्रत्यागच्छन्। उसकी बात सुनकर किसान लज्जित हुए और अपने खेत लौट गए। अप्रास्मिन दिने अभी राम है तदेव आक्रोध। दूसरे दिन भी राम ने ऐसा ही किया। कृषका तदापि तस्य समीपागच्छन् किन्तु ते पुनः लज्जिता भूत्वा स्वक्षेत्रं प्रत्यागच्छन्। किसान तब भी उसके पास आए गए किन्तु वे लज्जित होकर अपने खेतों की ओर लौट गए। एवं सह गोपाल कह मुहु मुहु करोती समय इस प्रकार वह चरवाहा बार बार करता। एक दर तू सत्यमेव तत्र सिंह है आगच्छत। एक बार वहाँ सच में ही शेर आ गया। तत्र गोपाल के पशु चारे इसमें किंतु शेर आ गया। जहाँ चरवा पशुओं को चरा रहा था सह पुनः पुनः ऊंचे वह बार बार चिल्लाया सत्य आक्रोध बार बार चिल्लाया परंतु कृषका सत्य मत्वा तस्य मत्स्वरम सुत्वा भी तत्र न आगच्छन्। उसके वचनों को झूठ मानकर वे उसकी सहायता करने के लिए नहीं आए। तत है सिंह है ब्राह्मण हनुमान है तत है इस प्रकार सिंह शेर ने राम को हनुमान मार दिया। इत्थम से गोपाल का सत्यवाद से प्राप्तवान है। इस प्रकार चरवाहे को झूठ बोलने का फल मिला। ठीक है, इस प्रकार चरवाहे को झूठ बोलने का फल मिला। इसलिए कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके शब्दार्थ लिखेंगे आप सभी अपनी बुक से देखकर। आगे है अभ्यास दिया गया है इसका। सही उत्तर को चिन्हांकित कीजिए। रामस्य कस्य नाम है आसीत का नाम था लिखिए गोपाल कस्य गोपाल पट्टी लगाएंगे। एकदा राम है पशु चाल्य थी एक बार राम कहां पशु चला रहा था। अस्ति समय सत्य क्या लिखेंगे अस्ति। रामम कह मान किसने मारा कृष्ण कह सिंह ने व्याप्त है तो किसने मारा था शेर ने। सिंह पर चिन्ह का निशान लगाए। ये हमारे
सभी लिखेंगे।
आगे शब्द निकालने लगा। सभी लिखिए, प्रश्न नंबर चार। प्रश्न नंबर चार, गोपाल कृष्ण
ये आपका आज का होमवर्क है, आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। सभी बच्चे कॉपी में लिखें और इसको साथ में याद भी करें।